हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एस सी वर्मा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में, अ मैन हैज़ टू गो 15 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। तो मैन को ड्यू नॉर्थ जाना पड़ा 50, ये फर्स्ट फेज में डिस्प्लेसमेंट है। सेकेंड फेज में 40 मीटर ड्यू ईस्ट और थर्ड फेज में 20 मीटर ड्यू साउथ। ठीक है, चलो। तो आपसे पूछा गया है कितना डिस्टेंस को चलना पड़ा टू रीच द फील्ड। तो मैन यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे फील्ड है ना, स्टार्टिंग पोजीशन है और एफ क्या है, फिनिश पॉइंट है ना। तो कितना डिस्टेंस चला वो, 50 प्लस 40 प्लस 30, 110 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका ये पूछा गया है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम लोग सिंपली इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, है ना। अब ये वेक्टर को अगर हम लोग लिखना चाहे तो इस वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम एस टू एफ, इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट देखे तो ध्यान देने यहाँ पर अच्छे से कि ये टोटल 50 था, सॉरी एक सेकेंड, अगर ध्यान दें हम लोग तो ये टोटल लेंथ 50 था और ये टोटल लेंथ 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 30 और हॉरिजॉन्टल वाला है 40, तो 30 और 40 है 90 डिग्री पे, है ना। याद रखना ये है 30 और ये है 40, क्योंकि ये तो 50 आपको दिया गया था, ये 50। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 50 मीटर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन में निकाल सकते हो, सपोज इस एंगल को आप थीटा बोल रहे हो तो टैन थीटा बता दो, टैन थीटा बता देना मतलब थीटा बता देना एक सेंस में। ठीक है, तो टैन थीटा हो जाएगा 40 बाई 30 मतलब 4/3, मतलब थीटा हो गया 53 डिग्री, मतलब ये एंगल 53 डिग्री है। ठीक है, या अगर हॉरिजॉन्टल से आप एंगल नापते तो ये 53 था तो ये 37 हो जाएगा, है ना। वो कहाँ से नाप रहे वो बताया नहीं गया है, तो हम लोग कैसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं अपना मर्जी। ठीक है, आंसर भले आपका मैच ना करे लेकिन मतलब आंसर में 37 होगा तो ईस्ट से नापा गया होगा और 53 होगा तो नॉर्थ से नापा गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20,0 एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20,0। तो ये एक्स एक्सिस बना दिए, ओरिजिन से स्टार्ट किया, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग चला टिल 20। ठीक है, एंड रिटर्न्स अलॉन्ग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20, है ना। तो कैसा मोशन किया हो, यहाँ से यहाँ गया है और फिर रिटर्न होके यहाँ तक आया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में किया है लेकिन मैं अलग अलग दिखाया हूँ यहाँ पर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप। तो डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल पाथ लेंथ निकालना होगा, तो जितने भी लाइन सेगमेंट्स आएंगे उन सबका लेंथ को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स आ रहे हैं, इसका लेंथ है 20 और नीचे वाले का लेंथ है 40, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 40 मतलब 60 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 60। और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो इन स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, फाइनल पॉइंट यहाँ है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा ये। पूरे मोशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये क्रॉस है ना और एंडिंग पॉइंट ये क्रॉस है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 लेंथ का है, किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, एरो नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ना, तो -20 डिस्प्लेसमेंट। अब क्या बोलोगे, -20 मीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर टू। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर थ्री, इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 बाय रोड। ठीक है, तो एयर वाले रास्ते से 260 किलोमीटर है पटना से रांची के बीच में और रोड वाले रास्ते से 320 किलोमीटर। एंड एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, वेयर एज अ बस टेक्स 8 आवर्स। तो एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन पूछा है। ठीक है, आपको पता है एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो प्लेन की बात हो रही है, प्लेन तो एयर वाला डिस्टेंस कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इतना डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना लगा है प्लेन को, 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट है ना, किलोमीटर पर आवर एक पॉपुलर यूनिट है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करो, आधा घंटा हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 26 दूनी 52, 520 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, है ना। फिर सेकेंड पार्ट में एवरेज स्पीड ऑफ बस पूछा है, तो ये तो है एरोप्लेन का एवरेज स्पीड, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में पूछा है बस का, तो बस का कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ बस निकालना है। तो फिर से वही करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, बस तो रोड वाला डिस्टेंस कवर करेगा विच इज 320 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बस। बस से कितना टाइम लगा था, 8 घंटा, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर, तो बस में एवरेज स्पीड इतना है, ठीक है। लास्ट पार्ट में फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस पूछा है। अब इस केस में हाँ, हम लोग को फाइंड द एवरेज स्पीड एंड फाइंड द एवरेज स्पीड, तो आपको डायरेक्शन बताना होगा, डायरेक्शन लेकिन हमें पता नहीं है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए होता है, डायरेक्शन पता नहीं है हमें, मतलब ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो आया आपका 520 किलोमीटर पर आवर, इसमें डायरेक्शन वाला फैक्टर डालना होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, तो इतना, और डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पटना टू रांची, पटना से रांची के तरफ वाला जो वेक्टर पॉइंट करेगा वो, ठीक है। और लास्ट पार्ट का, ये सी पार्ट का था, और डी पार्ट में आप एवरेज स्पीड ऑफ बस पूछा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर तो आएगा ही फ्रॉम पटना टू रांची इस वेक्टर के अलॉन्ग, ठीक है। मतलब क्या है, पटना यहाँ पे, रांची यहाँ पे, तो पटना से रांची के तरफ पॉइंट करने वाला वेक्टर, ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन में मैं बहुत सारा अजम्पशन किया हूँ, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे करना पड़ रहा है, वैसे नहीं तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। जो हम लोग को बोला गया कि 260 किलोमीटर पटना से रांची गया, ठीक है, तो ये हम लोग मान लेंगे कि एयर से भी जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और रोड से भी जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो 260 किलोमीटर पटना टू रांची बाय एयर जो जा रहा है, वो मतलब एयर में जा रहा है तो 260 किलोमीटर लग रहा है, ठीक है, और बाय रोड भी जा रहा है तो स्ट्रेट स्ट्रेट चल रहा है, समझ में आ रही बात। ये हम लोग अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब ऑफकोर्स वो अजम्पशन थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का लेंथ तो हमेशा सेम आना है ना, चाहे वो रोड से हो या एयर से हो, ठीक है। लेकिन वो अजम्पशन करना पड़ेगा, अदरवाइज सी और डी हम लोग बना नहीं पाएंगे आप, ठीक है, वही कारण था और कुछ नहीं। तो मोस्ट प्रोबली अब इसको एकदम अच्छे सेंस में देखिए, मतलब हर चीज़ को सही सही करते हुए आगे बढ़े, तब ऐसा होगा पटना टू रांची ऐसे गया है, मान लो ये पटना है, ये रांची है, एयर से इस पाथ से गया है, ठीक है। पीछे माउंटेन वाउंटेन आता है तो मतलब फ्लाइट हमेशा सीधी नहीं चलती है ना, डेविएट होकर चल ही सकती है। ये बाय एयर वाला रोड है, और ये बाय एयर वाला रूट है, और ये बाय रोड वाला रूट है, नीचे वाला जो मैं बनाया, ठीक है। अब तो आपको जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये सब पाथ लेंथ दिया गया है, 260 किलोमीटर और ये 320 किलोमीटर, ठीक है। और फिर टाइम तो दिया हुआ है, तो आप खाली ए और बी निकाल सकते हो इस केस में, सी और डी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि सी और डी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये है, चाहे एयर से जाओ या रोड से जाओ, डिस्प्लेसमेंट ये एरो है, और एरो का लेंथ आपको नहीं पता, तो सही बताओ तो सी और डी आप बना नहीं सकते हो, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाई हिज कार, द मीटर रीड्स दिस मच, ठीक है, कार से जब निकल रहा है तब कार में कितना रीडिंग है, इतना है ना, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न्स होम रीडिंग इतना है, ठीक है। तो कितना स्पीड था कार का ड्यूरिंग दिस पीरियड, एवरेज स्पीड क्या था, तो कितना डिस्टेंस चला वो देखते हैं। कार का याद रखना, वो जो मीटर रहता है वो डिस्टेंस मेजर करता है, तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, ठीक है, फाइनल रीडिंग ये है और ये इनिशियल रीडिंग है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो 352 और 416, 48 और 16, 64 किलोमीटर, ठीक है। जितना आपका डिस्टेंस चला है कार टोटल, तो उसका एवरेज स्पीड पूछा है। तो ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर्स बोला गया है, तो टाइम भी आपको दिया हुआ है 2 आवर्स, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 64 किलोमीटर बाय 2 आवर, विच इज 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी,
अब फिर से एवरेज वेलोसिटी हम लोग बता सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चला है कि नहीं चला है एंड सो ऑन, ठीक है? इसलिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी नहीं बता सकते। समझ में आई बात? ठीक है ना, जैसे होम यहाँ पे, वो साइट सीइंग इस डेस्टिनेशन पे गया था, तो अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता, ठीक है? बाय द वे सॉरी, यहाँ पे तो रिटर्न्स होम का बात कर रहे हैं ना, तो पूरे मोशन के लिए पूछ रहा है, ठीक है? तो हाँ उसमें बता सकते हैं, सॉरी। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि होम से भले किसी पास से गया वापस आ गया है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है? मैं सोचा होम से लेके साइट सीइंग पॉइंट तक का पूछ रहा है, ठीक है? वो हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता था, लेकिन वापस होम आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चन में वैसा तो नहीं था ना, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन ऑफ द बस, नहीं उसमें कुछ नहीं था, ठीक है? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन? तो हम लोग अजूम कर लेंगे रेस्ट से स्टार्ट किया और 2 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर, विच इज 5 मीटर पर सेकेंड, है ना? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये होने में कितना टाइम लगा इसको, 2 सेकेंड लगा, ठीक है? तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, जब भी एवरेज एक्सेलरेशन की बात हुई तब तो आप वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वो तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है? या सिंपली अगर ये अजीब लग रहा है तो एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकिंग, ठीक है? अब चेंज इन वेलोसिटी कितना है, फाइनल है 5, इनिशियल था 0, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 है और टाइम टेकन है 2 सेकेंड्स, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफ से रिलेटेड है, स्पीड एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है किसी कार का, तो डिस्टेंस टेबल पूछा गया है, तो याद रखना डिस्टेंस, अगर ग्राफ दिया हुआ आपको, डिस्टेंस होता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है? अब कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालेंगे डिपेंड करता है कब से कब तक का पूछा है, तो पहला 8 सेकेंड का पूछा है तो 0 से लेके 8 सेकेंड तक का एरिया निकालेंगे, मतलब 8 सेकेंड के करेस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन खींच दो ग्राफ में और 0 सेकेंड के करेस्पॉन्डिंग खींच दो, तो यही रहेगा, और फिर इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच का जितना भी रीजन है उसको शेड कर दो, इस एरिया को बोलो निकाल लो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 8 है, इंटू हाइट, हाइट कितना है 20 है, ठीक है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 20 चौक 2 चौक क्या 10 ना 80, ठीक है? डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 80 एंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है? एक्सेलरेशन ही पूछा गया आपसे, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप? एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन, ठीक है? फाइनल कितना है 20 है, इनिशियल कितना है 0 है ना? तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करते हो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है? अब भले आपको स्पीड दिया हुआ है ना, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक है? वी आर अज्यूमिंग कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, या इस क्वेश्चन में मान लेते हैं नो चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, ये मानना जरूरी है सेकेंड पार्ट को बनाने के लिए, अदरवाइज इनकम्प्लीट हो जाएगा, नो चेंज इन डायरेक्शन, है ना? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो जैसे लास्ट मोमेंट में, लास्ट मोमेंट मतलब टी इक्वल टू 8 सेकेंड में उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो टी इक्वल टू 8 सेकेंड में आपको स्पीड दिया हुआ है 20 और टी इक्वल टू 0 सेकेंड में स्पीड है 0, ठीक है? तो आपसे क्या पूछा गया, एवरेज एक्सेलरेशन, है ना? अब जो इस केस में जरूरत नहीं पड़ेगा एजम्पशन का, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसका कारण बता रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड इसको मिटा देता हूँ मैं, इस केस में जरूरत नहीं पड़ेगा उसका कारण बताता हूँ मैं, क्योंकि हमारा इनिशियल क्या है 0 है, ठीक है? उस चीज़ को समझो आप, 1 सेकेंड यहाँ कुछ 1 सेकेंड कहाँ गया, हाँ मिट जाओ, डिलीट किधर है, हाँ ठीक है, हाँ तो इस सेकेंड में फर्क नहीं पड़ने वाला, कारण क्या है, आपको अगर 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड इतना है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो नहीं पता है, वेलोसिटी हो सकती है 20 मीटर पर सेकेंड किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है? तो मान लो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में,
ठीक है, और टी इक्वल टू जीरो पे स्पीड कितना है, जीरो है। अब दिस माइनस जीरो करोगे तो यही आएगा ना, 20 में से आप जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आएगा वापस, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना यहाँ पे आसान था, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। लेकिन अगर इनिशियल जीरो नहीं होता, मैं उसको आता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड 20 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, टाइम लगा है 8 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10/4, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इस क्वेश्चन में मानने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट लाइन में चलता है, जो सेकेंड पार्ट बोला है बिना वो माने भी कर लेंगे हम लोग, है ना। अब मैं बोलता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता, मान लो आपसे पूछा जाता एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, ठीक है, 4 सेकेंड्स एंड 8 सेकेंड्स, 4 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड वाला जो पीरियड है उस दौरान एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये पूछा जाता मान लो, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम क्लियर करके दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन अब क्यों नहीं बन सकता, है ना। अब देखो, 4 सेकेंड के करिस्पॉन्डिंग आप अगर स्पीड निकालोगे तो प्रॉब्ली 10 आएगा, मान लो 10 है, और 8 सेकेंड करिस्पॉन्डिंग तो आपको पता है कि 20 है, ठीक है। लेकिन आपको 4 सेकेंड पे स्पीड पता है 10 मीटर पर सेकेंड है, वैसे 8 सेकेंड पे स्पीड पता है 20 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन नहीं पता है ना। तो 8 सेकेंड पे स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, सॉरी एवरेज एक्सेलेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, चेंज इन वेलोसिटी पता करोगे और फिर टाइम टेकिंग। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अब फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट 8 सेकेंड्स, अब 8 सेकेंड्स पे स्पीड 20 है लेकिन डायरेक्शन नहीं पता। तो 20 अगर इस तरफ है, मान लो मुझे नहीं पता डायरेक्शन, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड पे कितना है स्पीड, 10 है, और 10 का डायरेक्शन इस तरफ हुआ कहीं, तो आप इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, आपको तो इनका बीच का एंगल पता ही नहीं। जब तक एंगल नहीं पता आपको रिजल्ट नहीं पता चलेगा। इस क्वेश्चन में तो पिछले केस में तो आसान हो गया था, क्योंकि 20 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि आपके लिए पूरे मोशन के लिए पूछ लिया था एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर आपको 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में एवरेज पूछा है, तो आपको डेल्टा वी निकालने के लिए वेलोसिटीज का डायरेक्शन पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं, क्योंकि आपको स्पीड का इन्फॉर्मेशन दिया, वेलोसिटी का नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने बोल दिया था कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर मैं देखा कि पूरे 8 सेकंड के लिए पूछा है इसलिए बन पाया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाता, 4 सेकंड टू 8 सेकंड पूछा जाता, तब नहीं बना पाते हम, ठीक है। क्योंकि 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि दोनों का डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है, लेकिन 20 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, चाहे 20 इस तरफ हो तब 0 को सब्ट्रैक्ट करो, या 20 उस तरफ हो तब 0 को सब्ट्रैक्ट करो, वो वही वेक्टर आएगा वापस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्राफ वाला है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट टी इक्वल टू जीरो वेरीज विद टाइम एज शोन। तो आपको एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, टाइम सेकेंड्स में है, एक्सेलरेशन फीट पर सेकेंड स्क्वायर है, ध्यान देना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, फीट, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ पोजिशन टाइम ग्राफ। तो आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स पूछा है, तो सबसे पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, या देखने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम से वेलोसिटी निकाल सकते हो, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट से अल्टीमेटली डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये अपना अप्रोच रहेगा, पहले एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम वाला जो ग्राफ दिया उससे वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाला ग्राफ निकालेंगे, फिर उस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस पता करेंगे, ठीक है। ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं ना। तो हम लोग पहले जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया उसको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करें या ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसी के नीचे जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि समझ में आए हर चीज, ठीक है। 10, 20, 30, तो कहाँ से स्टार्ट किया, रेस से स्टार्ट किया क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ए कार स्टार्टेड एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब रेस से स्टार्ट किया, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, ये आपका वेलोसिटी ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। और आप देख सकते हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वैल्यू कितना है, 5, 5, 5, 5, 5, 5, देखो हमेशा हाइट 5 है ना, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। लेकिन 10 सेकेंड्स तक तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन था,
टेन के बाद एक्सीलरेशन अचानक से जीरो हो गया, और फिर जीरो ही है 10 से 20 सेकेंड तक, देर इज़ नो एक्सेलेशन, यानी वेलोसिटी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। नो एक्सेलेशन मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलेशन देता रहा है, एक्सेलेशन इज जीरो बिटवीन 10 एंड 20 सेकेंड्स। 20 से 30 सेकेंड्स के बीच में एक्सेलेशन क्या है, नेगेटिव फाइव है, ठीक है। अब इस ये था पॉजिटिव फाइव, पहले पॉजिटिव फाइव से स्लोप जैसा आया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, नेगेटिव फाइव से उसका अपोजिट आएगा। अपोजिट मतलब इसी को तो अपोजिट बोलते हैं, इसका स्लोप प्लस फाइव और इसका स्लोप माइनस फाइव, सेम ढलान है, एक लेकिन ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, मतलब सेम स्लोप है, ठीक है, सेम इंक्लाइन प्लेन है, एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे जा रहा है, सेम इंक्लिनेशन का है ना, सेम इंक्लिनेशन मतलब बोलो हॉरिजॉन्टल से एंगल सेम बना रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटाए तो हमें एंगल का जरूरत नहीं है। हाँ चलो, अब ए हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर निकालें हम लोग, वो हम लोग क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, तो इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया पहले ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। इसका एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 10, इंटू हाइट, हाइट कैसे निकालेंगे, अब हाइट निकालने के लिए आप देखो इसका एरिया अगर आप निकालोगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो 5 × 10 = 50, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है ना, डेल्टा भी क्या होता है, एरिया अंडर एटी ग्राफ, एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, डेल्टा भी, ठीक है। अभी आप कहाँ से कहाँ तक एरिया निकाले हो, टी इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर टी इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच में, तो ये वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो 10 सेकेंड और 0 सेकेंड के बीच जो वेलोसिटी का चेंज आएगा वही होगा, ठीक है। और एरिया कितना आया था, 50 आया था, यानी वेलोसिटी है 10 सेकेंड्स माइनस वेलोसिटी है 0 सेकेंड्स, 50 होगा। वेलोसिटी 0 सेकेंड आपको पता है 0 है, यानी वेलोसिटी है 10 सेकेंड्स कितना है, 50 है, वेलोसिटी है 10 सेकेंड्स कितना है, 50 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, ये पॉइंट को मैं मार्क नहीं किया था, ये 50 है ना, तो ये आपका 50 है, ये भी 10 है, हाँ। तो ये वाला एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये हो जाएगा 250 है ना, ये एरिया भी 250 हो जाएगा, ठीक है। और ये एरिया कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, तो 500 प्लस 250 प्लस 250, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 250 प्लस 500 प्लस 250 मतलब 1000, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ गया, 1000 feet, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ फीट में था, है ना, फीट पर सेकेंड स्क्वायर, वैसा वैसा करके डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 1000 feet, ठीक है। आपसे लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा था, ठीक है। अभी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर कब होता है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, और इस केस में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, वेलोसिटी ने अपना साइन चेंज किया क्या, नहीं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बिकॉज वेलोसिटी डिड नॉट चेंज इट्स साइन, वेलोसिटी अगर साइन चेंज करता है तब हमें पता चल जाता है, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है, साइन से ही डायरेक्शन पता चल जाता है। तो साइन हमेशा वेलोसिटी का क्या है, पॉजिटिव है, देखो वेलोसिटी का साइन हमेशा पॉजिटिव है, ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑन द पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव होता तब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। ये तो वीटी ग्राफ था, लेकिन आपसे पूछा गया था पोजिशन टाइम ग्राफ, हाँ, अब पोजिशन टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो वीटी ग्राफ से पोजिशन टाइम ग्राफ हम बना सकते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग कोशिश करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने का, ठीक है। पहला 10 सेकेंड वाला ये है, फिर 20 सेकेंड वाला ये है, और 30 सेकेंड करस्पॉन्डिंग टाइम ये है, ठीक है। अभी आप पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, है ना। तो पहले आप देखोगे तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, या इक्विवेलेंटली एक्सीलरेशन वाला ग्राफ देखोगे तो एक्सीलरेशन सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा था, विच मी इम्प्लाइज कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, है ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो पैराबोला आता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो पोजीशन टाइम ग्राफ एक पैराबोला, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है ना, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। उसके बाद कुछ देर के लिए क्या है आपका, एक्सेलरेशन जीरो है,
ठीक है, एक्सेलेरेशन जीरो है, इसका मतलब वही था कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एंड में जो स्लोप है यहाँ पे, यही स्लोप का स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है ना, ये मार्किंग में दिया हूँ जो समझाने के लिए, ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे बढ़े तो लास्ट में, लास्ट में आप देखोगे इस ड्यूरेशन के लिए क्या है आपका, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, ये होगा अब ए था अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, अब आएगा आपका डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है, और लास्ट में वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब लास्ट में पैराबोला हॉरिजॉन्टल हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट आपको जीरो स्लोप का चाहिए, समझना ही बात। तो पहले अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आया, फिर कुछ 10 सेकंड के लिए, अगले 10 सेकंड के लिए स्ट्रेट लाइन, और फिर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। डाउनवर्ड फेसिंग को कहाँ पे टर्मिनेट किया, ऐसा टर्मिनेट किया कि यहाँ पे स्लोप जीरो हो जाए, क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी क्या चाहिए था, जीरो चाहिए था, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो था इसलिए इनिशियल भी स्लोप जीरो था, फाइनल भी स्लोप जीरो था, ठीक है। देखो स्लोप बढ़ते जा रहा शुरू में, एक्सेलेरेशन है, फिर स्लोप कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, और फिर स्लोप घटते जा रहा क्योंकि रिटार्डेशन है, ठीक है, ये आपका एक्स टी ग्राफ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फिर से पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया है और बोल दिया पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो एक्सेलेरेशन बताना आपको, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब उसका स्लोप कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है, स्लोप कॉन्स्टेंट आएगा, उसका वैल्यू कितना होगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंस्ट्रक्शन कर लो उसके साथ, ठीक है, और फिर दिस बाय दिस कर दो, हाइट बाय बेस, हाइट कितना है, हाइट है आपका इसके करस्पॉन्डिंग 8 है और इसके करस्पॉन्डिंग 2, ये 8 माइनस 2 और ये है 10, स्लोप हो जाएगा 6/10, 6 किस में, मीटर पर सेकेंड में है, 10 किस में, सेकेंड में है, 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये 6 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको होगी एक्सेलेरेशन। डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स, अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, वी टी ग्राफ का एरिया से आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना, तो चलो सी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट पूछा था, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 0 से 10 सेकेंड्स तक, तो 0 से 10 सेकेंड्स तक, तो 10 सेकेंड्स तक पूछा है, तो 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड पे एक वर्टिकल लाइन खींचो, 0 सेकेंड पे भी एक वर्टिकल लाइन खींचो और फिर इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच का एरिया को शेड कर दो, ठीक है, ये आपका एरिया हो जाएगा। ट्रेपेज़ियम है, ट्रेपेज़ियम का एरिया कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड का लेंथ है 2 और ये वाला पैरेलल साइड का लेंथ है 8, ठीक है, तो 2 + 8 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल्स है जो कि 10, तो 8 × 2 = 10, 8 × 2 = 100 और / 2 = 50 मीटर। तो सी पार्ट का आंसर डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली आ गया क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है ना, लेकिन बी पार्ट ने पूछा डिस्टेंस बताओ, लेकिन क्योंकि देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, कैसे पता देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, हाउ डू वी नो दैट देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, ये लैग क्यों कर रहा है, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है मतलब सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है, तो देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, देयरफॉर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 50 मीटर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि लैग कर रहा है सिस्टम, ठीक है, तो चलो आपसे मिलता हूँ पॉज के बाद। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिर से ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया है, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और उसका एक्स कोऑर्डिनेट एज फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया गया है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी
फ्रॉम 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड्स, मतलब पहले 10 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी मतलब सिर्फ ये होता है, चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है। तो 0 सेकेंड्स से 10 सेकेंड्स पूछा है, तो 10 सेकेंड्स पे देख लो एक्स कितना है। तो अगर आप 10 सेकेंड्स पे देखोगे तो आपको एक्स कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। तो 10 सेकेंड्स पे एक्स है 100, माइनस 0 सेकेंड्स पे एक्स तो ज़ीरो ही है, 0 सेकेंड्स पे एक्स क्या है, ज़ीरो। तो चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाई टाइम टेकन तो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और फिर पूछा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 एंड 12। तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो टी इक्वल 2 सेकेंड्स पे, तो टी इक्वल 2 सेकेंड्स तो यहाँ कहीं होगा, तो टी इक्वल 2 सेकेंड्स के करिस्पॉन्डिंग आप ग्राफ में जो पॉइंट मिला वहाँ पे टेंजेंट बनाओ, तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट तो मिल रहा है, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, इस लाइन का स्लोप बताना है आपको, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इस पॉइंट के टी इक्वल टू 2 सेकेंड, चलो इसको थोड़ा जूम कर देते ताकि मेरे लिए ड्रॉ करना आसान, ठीक है। तो टी इक्वल टू, हाँ टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल 2 सेकेंड यहाँ कहीं है ना, आपको ये तो पता चल गया कि टी इक्वल 2 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ में पॉइंट है वो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना मतलब इसी लाइन का स्लोप निकालना है ना। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, हाइट बाय बेस, हाइट है 50 और बेस है 2.5, तो इसका स्लोप हो जाएगा 50 बाय 2.5 विच इज 20। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल 2 सेकेंड्स कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड्स वाला पॉइंट ये है, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर आप ग्राफ में खोजोगे तो जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0। फिर है 8 सेकेंड्स, तो 7.5 है यहाँ पे, 8 सेकेंड्स यहाँ कहीं होगा, ठीक है, मान लो ये है 8 सेकेंड्स, तो 8 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ में पॉइंट खोजोगे, मान लो यहाँ कहीं आ रहा है, यानी ये वाला स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है आपको, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, कैसे भी निकाल लो, मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ, तो वर्टिकल हाइट कितना है इसका, ये कितना है, ये हो जाएगा 100 माइनस 50 हो जाएगा, है ना। ये अब देख लो 100 में से 50 घटाओगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। और ये कितना है, ये आपका ये पॉइंट करे प्रॉब्ली 7.5 है ना, ठीक है। तो 7.5 और 10 का डिफरेंस 2.5, ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाई 2.5 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड फिर से आएगा, ठीक है। तो ये 8 सेकेंड में भी 20 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। और लास्ट में 12 सेकेंड से पूछा है ना, तो 12 सेकेंड्स वाला देखो क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ तो 12 सेकेंड तो जस्ट 12.5 से पहले कहीं यहाँ पे आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ में जो पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यही वाला स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, जिसको मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। इसका स्लोप निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट करो, अब एक बार स्ट्रेट लाइन निकाल ले तो कोई भी ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं इससे सबसे बड़े वाले को ले रहा हूँ, है ना। अब इसका हाइट है 100 और इसका बेस है 5, तो इसका स्लोप होना चाहिए 100 बाय 5 यानी 20, लेकिन क्योंकि ये लाइन नीचे जा रहा है, ठीक है, ये सब लाइन तो ऊपर जा रहा था ना, ये लाइन नीचे जा रहा है तो स्लोप क्या लेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, तो इसका -20 हो जाएगा स्लोप। तो लास्ट वाले टाइम इंस्टेंट के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, हाँ एक सेकेंड, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से आपको ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड्स, तो पहला 40 सेकेंड्स में पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ निकाल सकते हो। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है।
अब जहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है स्पीड तो वैसे ही दिखेगा, तो अब देख लो पहला 20 सेकेंड से वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्पीड वाला ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है वहाँ पे स्पीड उसका मिरर इमेज होगा, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा होगा, है ना, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, ये जो ब्लू ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है। जहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी और स्पीड सेम, जहाँ वेलोसिटी नेगेटिव वहाँ पे जैसे इस टाइम पे वेलोसिटी आप देखोगे तो माइनस, सपोज ये -2.5 है तो इसी टाइम पे स्पीड हो जाएगा +2.5, तो इसका मिरर इमेज ले लिया, ठीक है ना। तो जहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है उसका मिरर इमेज ले लिया, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है, ब्लू वाला सेक्शन क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो आपको पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लो। तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया शेडेड पोर्शन है ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो इसका हाइट है 5, बेस है 10, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, या इस पूरे को बेस ले तो पूरे का एक बार में आ जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये हो जाएगा 50। तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 50, तो 50 और 50 100, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। अब चलो मैं इसी को रब कर रहा हूँ, यहीं पे दिखाता हूँ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, एवरेज वेलोसिटी क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या, टोटल एरिया अंडर वीटी ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया निकाल के, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, अब ये वाला एरिया +50 आएगा, ठीक है, तो ये वाला एरिया -50 आएगा क्योंकि नीचे है। तो टोटल एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिवाइड बाई टाइम टेकन, टाइम तो हो जाएगा आपका 40 सेकेंड्स, लेकिन एरिया कितना है, 0 है, 0 है, 40 आपको देगा 40, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिर से एक वीटी ग्राफ एक्सटी ग्राफ दिया गया है, फाइंड टाइम टी सच दैट, तो ऐसा मोमेंट ऑफ टाइम बताना है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 0 to that time इज 0। अब एवरेज वेलोसिटी 0 है, अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, यानी इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन आर इक्वल। यहाँ पे पोजिशन मतलब एक्स है ना, यानी इनिशियल एक्स और फाइनल एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब इनिशियल एक्स तो 20 है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे आप एक्स देखोगे तो पार्टिकल कितना है, एक्स कितना है, 20 है टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ठीक है। तो यानी अब देखो उसके बाद जैसे 0 से आगे बढ़ते गया टाइम, तो एक्स का वैल्यू घट रहा है, घट रहा है, घटा घटा घटा, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, बढ़ते बढ़ते कभी ना कहीं वापस 20 होगा ना, यहाँ कहीं वापस एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 20 हो गया। तो ये वाला टाइम ही आपका टी है, समझ में, वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते, अप्रोक्सीमेटली यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अप्रोक्सीमेटली क्या बता सकते हैं, 15 से तो कम लग रहा है मुझे, है ना, 12.5 13 के आसपास होगा, वैसा कुछ होगा, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली बताता है, टी इज़ अप्रोक्सीमेटली आई थिंक अराउंड 12 to 13 ऐसा कुछ होगा, है ना। ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट समझना। तो आप अगर इस टाइम पे देखोगे, ये जो भी टाइम हो 12 से 13 के आसपास आएगा, इस टाइम के करस्पॉन्डिंग पोजिशन देखोगे तो पोजिशन फिर से कितना, एक्स का वैल्यू कितना है, फिर से इस टाइम पे देखो 20 है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 से लेके 20 सेकेंड्स, 0 से लेके इस टी तक कितना है, 0 है, क्योंकि 20 से स्टार्ट किया था और वापस अभी 20 पे ही है, ठीक है। मतलब अगर एक्स एक्सिस को देखें तो कुछ ऐसा मोशन हो रहा है, वो एक्स इक्वल 20 से स्टार्ट किया है, पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो घट रहा है ना, हाइट घटते आ रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट देखो घटते आ रहा है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट घटा तो इधर जा रहा है, पहले घटते 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 मिनिमम आया कहीं पे, ठीक है, प्रॉब्ली ये 5 के आसपास तक आया, और फिर वो 5 से बढ़ते बढ़ते वापस 20 तक गया,
ठीक है, फिर 20 को क्रॉस भी किया बाद में, आप देखोगे तो हाइट 20 से ज़्यादा हुआ है, तो 20 को क्रॉस भी किया, 21 22 के आसपास, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, समझा रहे थे बस। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फिर से ग्राफ का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द सॉलिड कर्व एज शोन। तो ये ग्राफ नहीं है, मतलब सॉरी मैं ग्राफ क्या बोलूंगा, ये आपको पाथ दिया हुआ है, पहली बार पाथ दिया, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन सब में ग्राफ दिया हुआ था, ये पाथ दिया है, ठीक है। पाथ इज डिफरेंट फ्रॉम, पाथ इज नॉट सेम एज ग्राफ। ग्राफ होता है पार्टिकल का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, वो सबको ग्राफ बोलते हैं, वो खाली डेटा का एक रिप्रेजेंटेशन है ना। पाथ मतलब एक्चुअल जिस रास्ते पे चला है वो है। तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व एज शोन इन फिगर। एक सेकेंड, फोन बज रहा है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में पॉइंट ए से स्टार्ट किया है और इस कर्व के अलोंग चला है, ठीक है। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजिशन बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजिशंस ए एंड बी हैज द सेम डायरेक्शन एज द स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी एट बी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के बहुत हार्ड लगेगा लेकिन है बहुत आसान। यहाँ पे देखो बोलना क्या चाहता है, सपोज मैं यहाँ पे एक और पाथ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सपोज ये पॉइंट ए है, यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है और इस कर्व के अलॉन्ग चल रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जिसको अगर मैं बी नाम दूँ, सच दैट ए और बी को ज्वाइन करेंगे, तो अगर मैं पूछूँ ए से लेके बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना, आप यही बोलोगे, और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर बी मैं यहाँ पे लूँ, जहाँ पे अभी मैं लिखा हूँ, वहाँ पे अगर मैं बी को रखूँ, तो आपका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन यही वेक्टर का डायरेक्शन आएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि टाइम तो डायरेक्शनलेस होता है ना। तो ए से बी जो वेक्टर पॉइंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है। अभी पॉइंट बी की स्पेशलिटी क्या है, पॉइंट बी ऐसे पॉइंट बनाया गया है कि जहाँ पर अगर मैं टेंजेंट भी बनाता तब भी सेम ही आता ना। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा था, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो एक ग्राफ ऐसा था, ठीक है, कि ए से पॉइंट बी को जोड़ने वाला जो लाइन है वही लाइन टेंजेंट एट बी भी तो है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर टेंजेंट एट बी इज कोइंसाइडिंग विथ सेकेंड ज्वाइनिंग ए एंड बी, देन एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी, दोनों क्या स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है, पोजीशन बी बताओ सच दैट दोनों का सेम डायरेक्शन है ना, सॉरी डायरेक्शन सेम हो जाएगा, स्लोप सेम नहीं होगा, डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको फिर से, अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो फिर से हम लोग देखते हैं। हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी, पॉइंट बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी का डायरेक्शन, जो भी टेंजेंट एट बी होगा उसका जो भी डायरेक्शन होगा वही हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये डेफिनेशन होता है, ठीक है। जैसे कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा है अगर, तो जिस मोमेंट में पार्टिकल यहाँ पे है उसका वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंट बनाओ उसके अलावा में, जिस मोमेंट में यहाँ पे उसका वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हर पॉइंट में टेंजेंट सेम डायरेक्शन में ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें क्या, हम लोग को क्या इक्वेट करना था, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन एट पॉइंट बी। अब एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी उसका डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी शुड बी इक्वल टू सेकेंड ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको ए और बी को ज्वाइन करना होगा, है ना। तो सेकेंड ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है, उसको सेकेंड नहीं बोलेंगे, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी का डायरेक्शन एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए,
ठीक है, यानी टेंजेंट एंड पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू या शुड बी सेम एज लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो जैसे अगर पॉइंट बी को यहाँ मान रहे हो, मान लो ठीक है, पॉइंट बी को आप मान लो यहाँ पे मान रहे हो, है ना, सपोज, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन ये है, लेकिन बी पे टेंजेंट ये है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं, ठीक है, यानी बी यहाँ नहीं हो सकता है ना। तो यानी बी ऐसे पोजिशन पर होना चाहिए जो ए और बी को ज्वाइन करने पर टेंजेंट ही बन जाए, जो कि मुझे ये वाला पॉइंट लग रहा है। अगर बी आप यहाँ पे लो तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट और बी पे जो टेंजेंट, वो दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो बी यहाँ पे कहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया था अप्रॉक्सीमेट पोजिशन ऑफ बी, तो बी कहाँ पे है? बी का मुझे कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट 3 लग रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट 5 लग रहा है। तो बी का कोऑर्डिनेट्स कितना है? 5,3। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप अपन यहाँ पे ध्यान देना कि वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन ही पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, मतलब देर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान देखना, आपको जब भी डिस्टेंस पूछे तो थोड़ा केयर रखना, क्योंकि आपके फॉर्मूलाज में डिस्प्लेसमेंट का है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, सब फॉर्मूला सब जो है वो सब डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूलाज है, ठीक है, डिस्टेंस वाला नहीं है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट से समो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन चेंज हुआ है कि नहीं वो सबका ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस केस में देर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करें? क्योंकि मुझे यू पता है, टी पता है, ए पता है। ठीक है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, 20 प्लस 0.6 25 तक 125 15 35 मीटर, तो आपका आ जाएगा ये 35 मीटर्स। ठीक है, चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन ट्रैवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर applies brake giving a deceleration of 6 to his scooter, how far will it travel before stopping? How far मतलब फिर से डिस्टेंस पूछा है, तो ठीक है, तो इस केस में भी उसका स्पीड घटते घटते जीरो हो सकता है ना, ठीक है, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज होकर जीरो हो सकता है। उल्टा डायरेक्शन तो नहीं चलने लगे ना, आप ब्रेक दबाते तो क्या होता है? ब्रेक दबाते हो तो गाड़ी स्लो डाउन होते होते रुक जाती है, उल्टा डायरेक्शन में तो नहीं चलने लगती। ठीक है, तो यहाँ पे भी देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सब पता है। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल है 43.2। ठीक है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा? 18 × 36 72, 18 × 74 और 24 × 5 120, 12 मीटर पर सेकेंड है ना। इनिशियल वेलोसिटी 12 है, एक्सेलरेशन -6 है, क्योंकि रिटार्डेशन एक्चुअली में मतलब वेलोसिटी के अपोजिट है, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिवली है, एक्सेलरेशन नेगेटिव इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ मैटर वैसे नहीं करेगा, आप अपोजिट कन्वेंशन लेते तो ऐसा नेगेटिव आएगा, हमें तो एस का खाली मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, 12² / 12 विच इज 12 मीटर, तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं हुआ है तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 मीटर। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, 18 × 4 = 72 का 2 बाकी रहा 7, 18 × 36 and 7 = 43। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s² फॉर हाफ अ मिनट। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, ठीक है, ऐसे मत लिखो, वेलोसिटी जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे, और टी इक्वल टू हाफ मिनट ना, हाफ मिनट, हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड्स, कांस्टेंट एक्सेलरेशन चला है इस ड्यूरेशन के लिए 2 m/s². ठीक है, ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, तो अगले 1 मिनट में यानी और 60 सेकेंड्स के बाद, ठीक है ना, 1 मिनट लगा है रेस्ट पे आने में, है ना, यानी 30 + 1 मिनट यानी 90 सेकेंड्स तक वो रेस्ट पे है। ये वाला ड्यूरेशन में रिटार्डेशन, ठीक है, बताया नहीं गया है वैल्यू कितना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। ठीक है, तो इस पूरे ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है ना,
तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका पहले 30 सेकेंड्स के लिए वेलोसिटी बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है ना। तो पहले 30 सेकेंड्स तक तो वेलोसिटी बढ़ रहा है और 30 से लेकर 90 सेकेंड्स तक वेलोसिटी घट के 0 हो जाएगी, रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन में मान लिया हूँ कि रिटार्डेशन का रेट कांस्टेंट है, वाले क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लिया हूँ कि रिटार्डेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, ये अजम्पशन है मेरा, क्योंकि और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, मेरा अजम्पशन, एक्चुअल एग्जाम में आपको बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वाला सेक्शन 30 सेकेंड से लेकर 90 सेकेंड्स के बीच वाला सेक्शन को भी स्ट्रेट लाइन बनाया हूँ, क्योंकि अगर एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन जो भी कॉन्स्टेंट होता है तभी स्लोप स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब कॉन्स्टेंट स्लोप है, यानी कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन है। ठीक है, ओके, तो आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन, तो टोटल डिस्टेंस के लिए एरिया निकालेंगे है ना। एरिया कैसे निकालेंगे, अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी पता है या इंच का हाइट पता है तब तो एरिया निकल जाएगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हाइट कैसे निकालेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो पहले 30 सेकेंड के लिए। तो पहले 30 सेकेंड में अगर आप वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ तो वी नहीं पता आपको, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन था 2 और ये है 30, तो आपका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी आ जाएगा 60, ये है 60 है ना, तो ये हाइट हो गया 60 आपका, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 90 इंटू हाइट, ठीक है, हो जाएगा 2700 मीटर। तो मैक्सिमम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2700 मीटर, सेकेंड पार्ट में मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन पूछा है, मैक्सिमम स्पीड हम लोग निकाले 60 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट मैक्सिमम एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, तो ट्रेन का पोजिशन क्या होगा एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड याद रखना 60 मीटर पर सेकेंड है, तो उससे आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड, तो उसका हाफ कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो जब ट्रेन का वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो उस समय उसका पोजिशन क्या क्या है, तो अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ कुछ ऐसा था, ये था 30 सेकेंड्स, ये था 90 सेकेंड्स, ये था 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ना। तो 60 का हाफ यानी 30 मीटर पर सेकेंड जब वेलोसिटी होगा उसके करिस्पॉन्डिंग ग्राफ में जो दो पॉइंट्स आने वाले हैं, पहले वो दोनों टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, किस टाइम पे वेलोसिटी 30 था पहले वो निकालते हैं, फिर उसी टाइम से पोजिशन क्या है वो निकालेंगे, क्योंकि आपसे पोजिशन पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाला टाइम निकालना तो आसान है, आपको पता है यहाँ पे स्लोप कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो आप या तो ये दोनों ट्राइंगल को देख लो, ये वाला ट्राइंगल जो अभी ड्रॉ किया मैं और ये छोटा वाला ट्राइंगल, दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो ये 60 है, ये 30 है हाइट में, इसका मतलब है कि ये इसका हाफ होगा है ना, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, तो दिस बाय दिस, ठीक है, हाफ होना चाहिए, तो ये 30 सेकेंड से मतलब ये हो जाएगा 15 सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ये सबको वापस हम लोग रब करें तो ये 30 है तो ये है 15 सेकेंड्स। ठीक है, जब टाइम के 15 सेकेंड्स हो रहा होगा तब वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और एक टाइम पे जहाँ पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होगा, ये वाला टाइम है ना। अब ये वाला टाइम भी वैसे निकाल सकते हो, फिर से वही लॉजिक से इन दोनों का एवरेज आएगा, 30 और 90 का एवरेज मतलब 75, 30 और 90 का एवरेज 60। ठीक है, एकदम बीच में आएगा ना, आपको पता चल ही जा रहा है एकदम बीच में आने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बीच में आया था वैसे यहाँ भी बीच में, क्योंकि यहाँ भी वही लॉजिक से, तो ये 60, तो टी इक्वल टू 15 सेकेंड्स एंड टी इक्वल टू 60, यहाँ पे थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया है, 60 सेकेंड्स। इन दोनों टाइम्स पे आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन दोनों टाइम से वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों टाइम पे पोजीशन पता करना है हमें है ना, तो वो भी हम लोग इसी ग्राफ से निकाल सकते थे, यहीं पे दिखाता हूँ आपको कैसे। ठीक है, तो वापस वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये 30 था, ये 90 था। ठीक है, हमें 15 पे चाहिए,
है ना, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 पे आपको पोजीशन निकालना है, तो ये वाला एरिया निकालना, क्योंकि एरिया अंडर वीटी ग्राफ या वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्यों देता है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो ये एरिया कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 15 इंटू हाइट, हाइट कितना है 30, क्योंकि आपको पता है ये तो 60 था और उसका हाफ ही हम लोग देख रहे हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा 225 मीटर। ठीक है, और ये 60 सेकेंड्स वाला जो टाइम था, वहाँ पे अगर हम लोग ये वाला एरिया निकाल लें, ठीक है, ये एरिया कितना आएगा मैं बताऊंगा, ये एरिया क्यों निकाले, हाफ इंटू बेस, बेस है 30 और हाइट भी 30। ठीक है, तो 30 इंटू 30 यानी 900 का हाफ यानी 450। ठीक है, अब ये एरिया 225 है। अब आपसे क्या पूछा गया था, देखो पोजीशन पूछा है ना, पोजीशन फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है ना, तो यहाँ पे ये तो स्टार्टिंग पोजीशन है, तो स्टार्टिंग पोजीशन से 225 मीटर चलने के बाद वो यहाँ पहुँचे, ठीक है, यहाँ पहुँचे मतलब 15 सेकेंड्स बीते हैं ना, तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 225 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन, जो भी स्टार्टिंग पोजीशन है वहाँ से 225 मीटर दूर है, ठीक है, उतना चल चुका है ना। अब बाद वाला जो एरिया निकाले हम लोग सिर्फ ये वाला एरिया निकाले, ठीक है, ये कितना आया है ना, ये एरिया कितना आया 450 आया है, और टोटल एरिया कितना आया था मुझे याद नहीं है, कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल एरिया आया था हाफ इंटू बेस कितना था 90 टोटल, और हाइट कितना था 60, तो 2700 आया था, याद आ गया, ठीक है, तो टोटल एरिया 2700 है और ये वाला एरिया 450 है, तो रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा, रिमेनिंग मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया हो जाएगा आपका टोटल एरिया माइनस लास्ट वाला एरिया। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2250 है ना, मतलब क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन से 225 मीटर चलने के बाद उसका स्पीड था 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपसे वही पूछा था कि जब स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है तब उसका पोजीशन क्या है, ठीक है, तो स्टार्टिंग से 25 मीटर चलने के बाद, सॉरी 225 मीटर चलने के बाद स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, एंड स्टार्टिंग से बहुत दूर कितना दूर, 2250 मीटर चलने के बाद फिर से, एक सेकेंड, फिर से स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बीच में कहीं 60 हुआ है ना, उसका स्पीड बढ़ते बढ़ते 0 से 60 तक गया था, याद है ना, स्पीड बढ़ते बढ़ते 0 से 60 तक गया था, और फिर 60 से घटते घटते वापस 0 आया था, ठीक है, तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा, 225 एंड 2250, ठीक है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ तो, ये था क्वेश्चन नंबर 15। आज कंप्यूटर बहुत लैग कर रहा है, स्लो हो जा रहा है राइटिंग, ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बुलेट ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेट इन रेस्ट इन 0.4 सेकेंड, तो टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, तो मान लो ये है ट्रंक, ब्रिक जैसा बना रहा हूँ ट्रंक को, ठीक है, ये ट्रंक है, बुलेट यहाँ पे एंटर किया, बुलेट कितने से एंटर किया 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे रेस्ट पे आया, ठीक है, और कितना चला रेस्ट पे आने से पहले 0.4 मीटर, तो मैं इस मोशन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 16, डिस्प्लेसमेंट 0.4, राइट को पॉजिटिव लिया है ना, ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालना है हमें, नहीं टाइम निकालना है ना, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, टाइम पूछना है करो, ये निकालना ही पड़ेगा एक बार, ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज करते हैं, तो v 0 यू 16, 2a, a नहीं पता हमें, s पता है, s कितना है 0.4,
तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.8 विथ ए नेगेटिव साइन, ठीक है, आपका एक्सेलेशन है। तो टाइम कितना लगा होगा, है ना, टाइम निकालने के लिए फिर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर लो, ठीक है। तो वी 0 है, यू आपका 16 है, ए आपको दिया गया है माइनस 16, दिया गया नहीं निकाले है, इंटू टाइम। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर, तो 0.8 बाई 16 यानी 8 बाई 160 यानी 1/20 सेकेंड्स, ठीक है, ये आपका आंसर है ना। थोड़ा लैग कर रहा है सिस्टम, स्लो लिख पा रहा हूँ, फास्ट नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 में एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। हाँ चल रही है। सो बुलेट गोइंग विद ए स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ कंक्रीट वॉल एंड पेनिट्रेट्स अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो फाइंड एक्सेलरेशन। फिर से वही पिछले केस में भी यही देखे थे हम लोग, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओ, सेम डायग्राम जो पिछले क्वेश्चन में बनाए थे ना, 2as। तो v आपका 0 है, इनिशियल है 350, ठीक है, प्लस 2a ने पता डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.05 मीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, है ना, ऐसा यूनिट। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 350 स्क्वायर ठीक है, ये बहुत लैग कर रहा है, एक बार इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके मिलते हैं। तो ए का वैल्यू माइनस 350 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1, इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा पिछले क्वेश्चन जैसा ही, ये क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 18 में पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं कोई भी। इफ इट टेक्स 5 सेकंड टू रीच स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, अब 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 मीटर पर सेकंड, उसको 5 सेकंड लगा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पहुंचने में, तो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब याद रखना एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट किया है तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम, टाइम से टाइम एक टाइम गया तो हाफ ए टी, तो आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलेशन का वैल्यू आपको नहीं पता इंटू टी, टी का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। बाय द वे आप एक्सेलेशन निकाल सकते हो, एक्सेलेशन निकालने के लिए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करो, यू 0 है, ए नहीं पता, टाइम 5 है और वी भी 5 है, इससे ए का वैल्यू 1 आया, ठीक है, तो हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलेशन इतना है। वैसे याद रखना अगर एक्सेलेशन कांस्टेंट होता है, अगर एक्सेलेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले से भी करते हैं तब भी आया था इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी 5 था डिवाइडेड बाय 2 यानी 2.5 आता, ठीक है। सेकेंड पार्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, हाफ ए टी स्क्वायर कर लो, हाफ ए, ए कितना है आपका ए 5, सॉरी ए कितना निकाले थे अभी ए 1, तो हाफ ए टी स्क्वायर, टी ए 5 है ना, 25 बाय 2 मतलब 12.5 मीटर, ठीक है। इधर क्वेश्चन नंबर 18, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 19 में ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट, तो सपोज ये रोड है, यहाँ पे ड्राइवर का कार है, ये जो ब्लॉक में बनाया हूँ, तो यहाँ पे वो रियलाइज किया नीड, ठीक है, उसको लगा उसको ब्रेक दबाना चाहिए, लेकिन आपको जैसे लगता है कि आप जो भी चीज़ तुरंत जैसे सोचते हो तुरंत नहीं कर पाते हो, कुछ टाइम के बाद करते हो, उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं, ठीक है, आपको रिएक्ट करने में इतना टाइम लगा, तो यहाँ पे वो सोचा है लेकिन ब्रेक यहाँ पे दबाया है, ठीक है। तो ही सीज अ नीड फॉर इट 0.2 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको 0.2 सेकेंड लगा है,
जिसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं, ठीक है। इफ इज ड्राइविंग द कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। एंड द ब्रेक्स कॉज अ डिक्सेलेशन ऑफ 6। डिक्सेलेशन मतलब स्पीड कम होना, स्पीड कम होगा मतलब वेलोसिटी के अपोजिट रहेगा, तो एक्सेलेशन इस डायरेक्शन में 6 है, ठीक है। वेलोसिटी राइट के तरफ 15, एक्सेलेशन लेफ्ट के तरफ 6। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर इट सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस चलेगा वो इतने देर में, है ना। आपसे ये निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछा है ना। दिस इज द रिएक्शन टाइम इफ इज ड्राइविंग द कार एट ए स्पीड ऑफ 54 एंड ब्रेक्स कॉज द डिक्सेलेरेशन ऑफ दिस। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन, ठीक है। आफ्टर ही सीज द नीड, ठीक है। तो ये नहीं पूछा है, पूरा पूछा है ना। कभी ना कभी कार जाके रेस्ट पे आएगा, अभी भी स्लो है, सिस्टम लैग कर रहा है। तो कभी ना कभी कार जाके रेस्ट पे आएगा, तो आपसे पूरा डिस्टेंस पूछे, ठीक है। तो मान लो ये है S1 और ये है S2। तो S1 तो निकाल सकते हो आप। S1 के लिए याद रखना उसका एक्सेलेशन जो 6 का रिटार्डेशन है वो यहाँ पे आया है बस इस दौरान, क्योंकि ब्रेक तो यहाँ पे लगाया गया है ना, ठीक है। ब्रेक BRAKE, ब्रेक यहाँ से दबाया गया है तो इस रीजन में रिटार्डेशन है। इससे पहले नहीं था, इससे पहले उसका स्पीड कांस्टेंट है। ध्यान देना कि यहाँ पे इस पोजीशन पे, पोजीशन ए पे वो रियलाइज किया कि यहाँ ब्रेक दबाना चाहिए, लेकिन ब्रेक दबाते दबाते वो कहाँ पहुँच गया था, बी, और बी से लेके सी तक वो ब्रेक दबाए रखा, जिसके कारण डिक्सेलरेशन है 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा होगा रिटार्डेशन वाला ड्यूरेशन में या पीरियड में। तो S1 S2 का सम निकालेंगे तो वही टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया कितना डिस्टेंस चला है आफ्टर ही सीज द नीड, जब वो सोचा कि उसको ब्रेक दबाना चाहिए, जबकि पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक पूछा है, ठीक है। तो ए सी पूछा गया है जो कि सिंपली S1 प्लस S2 होगा। तो S1 निकालने के लिए तो कॉन्स्टेंट स्पीड वाला रीजन है, S1 क्या है, कॉन्स्टेंट स्पीड वाला रीजन है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है यहाँ पे, 15। कितने देर के लिए चला यहाँ पे, 0.2 सेकेंड। तो S1 के लिए 15 × 0.2, ठीक है। S2 के लिए ये वाला रीजन निकालना है ना। यहाँ पे भी याद रखना स्पीड कितना होगा, 15 ही होगा, क्योंकि ब्रेक यहाँ से दबना स्टार्ट हुआ है, पॉइंट बी से लेके सी तक ब्रेक दबा है ना, पॉइंट बी से पहले नहीं दबा है, ठीक है। तो यहाँ तो रेस्ट पे आ गया, तो अगर बी से सी के लिए हम लोग v² = u² + 2s लगाए, ठीक है। तो फाइनल 0, इनिशियल मतलब बी पे कितना है, 15 है, एक्सेलेशन कितना है, -6 इंटू एस, एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, जिसको हम लोग S2 बोल रहे हैं ना, तो S2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15² / 12, ठीक है। तो 15² / 12 का वैल्यू कितना, 225/12, तो 12 एक का 12 है, 105, 12 8 96 और 9 90, 12 6 12 34 18.7 कुछ आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो 15 × 2 = 30, 3 हो जाएगा प्लस 18.7, तो 21.7 अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे ध्यान देना, फिर से मैं बता दूँ, पॉइंट ए पे ड्राइवर रिलाइज के उसको ब्रेक दबाना है, ठीक है। यहाँ पे रिलाइजेशन है, लेकिन ब्रेक दबाते दबाते कहाँ पहुँच गई गाड़ी, पॉइंट बी तक। इस ड्यूरेशन को हम लोग रिएक्शन टाइम बोलते हैं ना, आपके सोचने से लेके करने के बीच में जो टाइम होता है उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं, ठीक है। अगर रिएक्शन टाइम 0 होता तो दुनिया में कभी कोई एक्सीडेंट ही नहीं होता है ना, ठीक है। ये रिएक्शन टाइम और यहाँ पे रेस्ट का है, तो ये वाला ड्यूरेशन वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चला है, ठीक है, और ये वाला कांस्टेंट रिटार्डेशन से चला है, ठीक है। तो वही S1 S2 निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक टेबल है, इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कार मॉडल ए इसका डिक्सेलेशन है 6 और कार मॉडल बी का डिक्सेलेशन है 7.5। तो रिएक्शन टाइम
ऑफ ड्राइवर एक्स 0.2 दिया हुआ है। तो ड्राइवर एक्स अगर कार ए को चला रहा है, ठीक है, तो इनिशियल स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब कितने देर चल के वो ब्रेक्स लगाएगा, है ना, कितने देर चलने के बाद। तो वही चीज़ है हर जगह वही। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस से पिछले क्वेश्चन में था, S1 से ब्रेकिंग डिस्टेंस का पता चलेगा, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस S1 + S2। समझ में आई बात, जहाँ पे रियलाइज करेगा ब्रेक दबाना है और जहाँ पे ब्रेक दबाएगा उसके बीच का डिस्टेंस को शायद ब्रेकिंग डिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस शायद मुझे वही लग रहा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब वही होना चाहिए, ठीक है, चेक कर लेंगे आंसर से पता चल जाएगा हमें। तो हाँ, तो S1 का वैल्यू कितना आया था पिछले क्वेश्चन में, याद है ना, जो भी जितने टाइम जो भी रिएक्शन टाइम है दैट इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, तो हो जाएगा 3, है ना। और S1 + S2 निकालने के लिए मैं फर्स्ट केस का निकाल रहा हूँ, इसका इसको फर्स्ट केस बोल रहा हूँ ना, यहाँ का निकाल रहा हूँ। और S2 निकालने के लिए कितना, अब याद रखना पिछले क्वेश्चन से आपको पता चल गया था कि जब भी फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है तो अल्टीमेटली आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन, वही होता है ना, ठीक है। तो S2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन कितना है यहाँ पे, 6 का है ना। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो ये था फर्स्ट, वैसे सेकंड वाला भी कर लेंगे। सेकंड वाला में इसको 20 से स्टार्ट करें, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और इसमें भी वही दोनों चीज़ पूछा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब मेरा गेस यही है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस जैसे ABC 3 पॉइंट बताया था ना मैं, तो प्रॉबली मैं अभी यहाँ पे जो बनाया ऊपर में इसको ब्रेकिंग डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ये भी हो सकता है, ठीक है, वो आप आंसर्स मैच कर लेना पता चल जाएगा, उस सम का मतलब पता होना चाहिए बस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस मेरे हिसाब से इसको होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो तो डेफिनेशन होना चाहिए, कुछ भी मेरे को लग रही होना चाहिए, वो चेक कर लेना आंसर ला के, है ना। लेकिन आपको ए भी निकालना पता है, बी सी भी निकालना पता है, टोटल इन दोनों का सम, ठीक है। ए भी निकालने के लिए हमेशा जो इनिशियल वेलोसिटी है इंटू रिएक्शन टाइम, और ये निकालने के लिए यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है, बस इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, वही करना है हमेशा, है ना। अब इन दोनों से ब्रेकिंग डिस्टेंस कौन है वो मुझे नहीं पता, अब चेक करके आपको खुद पता चल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 20, दोनों सेम है ना, चार फिर चार जगह सेम चीज़ करना है, यहाँ 54 52, याद रखना जैसे इसका एंट्री आप भर रहे हो तो इसके लिए आपको रिएक्शन टाइम 0.3 लेना है, ठीक है, और एक्सेलेशन 7.5 लेना है। ये वाला कॉलम, ये वाला एंट्री भर रहे हो तो रिएक्शन टाइम 0.3 और रिटार्डेशन 6, वैसे ये वाला सेल को भर रहे हो तो रिएक्शन टाइम 0.2 और इनिशियल और आपका एक्सेलेरेशन कितना 7.5 रिटार्डेशन, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज ट्रेवलिंग एट 60, ओवरटेक्स अनदर कार ट्रेवलिंग एट 42, अज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज फॉर ओवरटेक, ठीक है। तो ओवरटेक का बात हो रहा है तो हम लोग ग्राउंड सिचुएशन देख रहे हैं, ये कार ए है मान लो और ये कार बी है, ठीक है, तो ये चल रहा है 60 से और एक चल रहा है 42 से, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आगे वाला 42 से चल रहा होगा और पीछे वाला 60 से चल रहा होगा, तभी तो ओवरटेक करेगा, ठीक है। दोनों 5 मीटर लॉन्ग है, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक, तो मान लो ये जब यहाँ पहुँचा तब ये उसको ओवरटेक किया, ठीक है। थोड़ा कार को मैं छोटा बना रहा हूँ, यहाँ हट जाए, ये इसको शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। तो जब हाँ ये सिचुएशन ओवरटेक, ठीक है, इस मोमेंट में ओवरटेक हो गया है ना, देखो ये इससे आगे निकल गया ना, ठीक है, जस्ट पीछे से स्टार्ट किया आगे निकल गया, ठीक है, लैग कर रहा है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरटेक करने में आपको याद रखना कार का दोनों का लेंथ दिया हुआ है 5, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है यही पूछा गया है ना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो ऊपर वाला कार है, ठीक है, जिसका नाम ए है मान लो, और नीचे वाला कार को बी बोल दे रहे, ठीक है, तो कार ए कितना चला है यहाँ से यहाँ के बीच में, तो अगर आप ध्यान दो तो कार बी चला है
अब कोई भी कार कितना चला है उसके लिए उसका कोई भी एक फिक्स पार्ट को देखो, सपोज हम लोग पिछला पहिया को देख रहे हैं ना, तो कार भी इतना चला है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार भी, ठीक है। कार एक कितना चला है, कार आपका इतना चला है, कार का पिछला पहिया से लेके पिछला पहिया तक का डिस्टेंस देखे दोनों सिचुएशन में, तो ये कार ही चला है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि ऑफ कोर्स ये तो 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। तो एस बी इज इक्वल टू एस ए प्लस 10, ठीक है, एस ए प्लस 10 है ना। अब डिस्टेंस ट्रेवल पर कार भी सब तो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो कार भी चल रहा है 60 से, तो मान लो कि ये सिचुएशन से ये सिचुएशन आने में 30 सेकेंड्स लगे है ना, इस सिचुएशन से जो आप पहला फिगर देख रहे हो उस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक चीज़ों को चेंज होने में कितना टाइम लगा है, 30 सेकेंड्स लगा है, ठीक है। तो कार भी कितना चला होगा, 60 × t, कितना टाइम लगा है, टी आवर्स लगा है क्योंकि किलोमीटर पर आवर में, कार ये चला होगा 42 × t प्लस 10, लेकिन 10 किस में, मीटर में, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 10/1000, ठीक है। तो बस काम बन गया अपना, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 18t इज इक्वल टू आपका 1/100, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो टी का वैल्यू 1/1800 आया, तो ये ऑफ कोर्स आवर में आया है, ये थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी सिस्टम में, इसलिए थोड़ा राइटिंग स्लो हो जा रहा है कभी कभी और आगे पीछे भी हो जा रहा है, ठीक है। टाइम इतना आवर में आया है, ठीक है, तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करें अगर, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड्स आता है, 1 घंटा में 3600 सेकेंड्स आता है ना, तो 1 आवर के बदले 3600 सेकेंड लिख दें हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, 2 सेकेंड्स। और फिर पूछा गया टोटल रोड डिस्टेंस यूज फॉर ओवरटेक, तो टोटल रोड डिस्टेंस यूज फॉर ओवरटेक में प्रॉब्ली इसकी बात कर रही है मैं, क्योंकि ये सब टर्म डिफाइंड नहीं कहीं है ना, अलग अलग ऑथर अलग अलग मीन कर सकता है, तो मैं तो पूरा लेंथ ले रहा हूँ ये, ठीक है ना। तो ये टोटल रोड डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर ओवरटेक, कार बी का एकदम पीछे वाला पोजीशन से कार बी का आगे वाला पोजीशन तक, ठीक है, क्योंकि रोड का इतना लेंथ ऑक्यूपाई हो गया एक सेंस में इस ड्यूरेशन में, है ना। अब ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, एस बी प्लस 5, ठीक है, तो एस बी प्लस 5 कर लो, तो आपका टोटल लेंथ हो जाएगा एस बी प्लस 5, है ना। तो एस बी निकालने के लिए एस बी कितना वैल्यू था, 60 किलोमीटर पर आवर, उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि अपने पास टाइम सेकंड्स में है, ये हो गया मीटर पर सेकंड में इंटू कितना देर के लिए चला था ये चीज़, 2 सेकंड के लिए इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। अब आंसर आप मैच करना आंसर में देखो, क्योंकि टोटल रोड डिस्टेंस कवर्ड का कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी आंसर हो सकता है या ये पूरा भी हो सकता है, ठीक है, वो चेक कर लेना, उससे पता चल जाएगा, है ना, मतलब कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट। तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट के लिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ले लेंगे, और वी तो 0 है, तो आपका हाइट का वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड, है ना, रिटार्डेशन जो भी है, तो इनिशियल स्पीड का स्क्वायर है 52, 50 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्सेलेशन, एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, 10, ठीक है, एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड आता है यहाँ पे, जो कि हो जाएगा 10, तो 2500/20 यानी 125 मीटर, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, याद रखना फर्स्ट पार्ट अगर आपको अजीब लग रहा है तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर रहे हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया अगर, इस क्वेश्चन के बाद मैं फिर से पॉज करूंगा क्योंकि स्लो है बहुत, ये चीज़ चल नहीं रही है, तो वी स्क्वायर आपका फाइनल तो 0 है, इनिशियल 50, ठीक है, इनिशियल 50 और एक्सेलेशन आपका -10,
ठीक है, चलो पॉज करते हैं यहाँ पे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मिलते हैं। तो यहाँ पे वी स्क्वायर को 0, फाइनल स्पीड 0 है, यू का वैल्यू 50, 2 AS, एक्सेलेरेशन कितना होगा -10, आपने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, देख सकते हैं एक बार आपके हाथ से बॉल छूट गया, एक्सेलेरेशन तो डाउनवर्ड ही है क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, ठीक है। और इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से एस का वैल्यू ए पार्ट आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, सेकेंड पार्ट के लिए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करो, वी 0, यू प्लस 50, एक्सेलेरेशन -10 इंटू टाइम, तो टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड्स। सी पार्ट में द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के हाफ में स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट हम लोग निकाले थे कितना आया था, 125 मीटर, उसका हाफ में कितना होगा स्पीड, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो वी हमें नहीं पता, ठीक है। आप फेंके हो 50 से हाफ द मैक्सिमम हाइट पे, यानी 125 का हाफ पे, ठीक है, कितना होगा स्पीड यही पूछा गया है ना। ये कितना आया था, 50 स्क्वायर बाय 20, यानी 50 × 50 25, 25 25, हाँ सही है, 125 बाय 2, इतना पे कितना होगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 50 स्क्वायर ट्वाइस AS, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 125 बाय 2, क्योंकि मैक्सिमम हाइट 125 है तो उसका हाफ में 125 बाय 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको स्पीड का स्क्वायर का वैल्यू दे देगा, है ना। ये तो क्वेश्चन नंबर 23। मूविंग ऑन, ये बस चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 24 में बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप विथ ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, बैलून जो है एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगा, ठीक है। मतलब क्या है, आप जिस चीज से चीज को ड्रॉप कर रहे हैं, आपने बैलून में जो कि 7 मीटर पर सेकेंड चल रही थी, तो एक बैलून है जो कि 7 मीटर पर सेकेंड चल रही है, उससे एक स्टोन को ड्रॉप किया ना, तो स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड रहेगा, ठीक है। तो स्टोन जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड, बस ये याद रखना है। इफ़ द बैलून वॉज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ द स्टोन, तो स्टोन जब ड्रॉप किया जा रहा है उस समय बैलून जो है ग्राउंड से कितना ऊपर है, 60 मीटर। याद रखना, स्टोन और बैलून दोनों सेम हाइट पर होगा उस समय, ठीक है। तो बैलून का रेलेवेंस नहीं है, बैलून को हटा दिए, हमें सिर्फ स्टोन को देखना है क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड, तो इस बॉल को ग्राउंड आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो बॉल देखो यहाँ से ऊपर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट तक, फिर वापस नीचे आएगा ग्राउंड में, तो इसी पॉइंट पर हिट करेगा। तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट अगर ड्रॉ करो आप, तो डिस्प्लेसमेंट ये है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल कितना है, -60। और इस पूरे ड्यूरेशन में जितने देर में वो ऊपर, यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, इस पूरे ड्यूरेशन में उसका एक्सेलेरेशन कितना था, जी डाउनवर्ड, ठीक है। तो एस हो गया, ए हो गया, टाइम पूछा है और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है +7, ठीक है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर हम लोग लगाते हैं क्योंकि एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है, तो यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस कितना है, -60, यू है 7, टी हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप सॉल्व करोगे तो आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो एक टी पॉजिटिव आएगा, एक टी नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाला को रख लेना, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट एरो में ड्रॉ किया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालते हैं T1, फिर सेकेंड एरो का टाइम निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं, वो भी सही है, लेकिन वो तो बहुत लोग अप्रोच वो यूज़ करते हैं, इससे हम लोग ये वाला अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, इससे एक इक्वेशन ही लिख के आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो 24 तो हो गया, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे खाली ये रियलाइज करना है कि इस पूरे मोशन के लिए एक्सेलेरेशन हमेशा -10 है, चाहे जब बॉल ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, क्योंकि फ्री फॉल में ही हमेशा है ना। जब बॉल के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब वो उसका एक्सेलेरेशन -10 डाउनवर्ड, मतलब 10 डाउनवर्ड है ना।
ठीक है, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 25 में स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। तो 28 से आपने स्टोन को फेंका, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो हम लोग बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, मैक्सिमम हाइट के लिए इनिशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड है ना। तो इनिशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन कितना होगा? 10। ठीक है, हम मैं 10 लेके कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं कुछ नहीं बोला था तो 9.8 लेना चाहिए। ठीक है, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट मान लो यहाँ पे, ये है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो उससे 1 सेकेंड पहले मान लो यहाँ पे था वो, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा है? 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? मान लो उस वेलोसिटी को मैं यू नाम दिया हूँ या U1 नाम दिया हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस ड्यूरेशन के लिए वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाऊँ, है ना, इस मोमेंट से U1 से लेके 0 तक के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी U1, एक्सेलेरेशन तो आपको पता है फ्री फॉल में, चाहे ऊपर जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ फ्री फॉल ही बोलते हैं, एक्सेलेरेशन -10 है इंटू टाइम, टाइम लगा 1 सेकेंड, तो U1 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था ये वाला पार्ट का। अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है किसी मोमेंट में, तभी तो 1 सेकेंड बाद वो रेस्ट पे आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब वो पॉल ऊपर जा रहा है तो रिटार्ड हो रहा है ना। ठीक है, डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 28 को यूज किए कहीं भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 1 सेकेंड, और रिटार्डेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे 2 सेकेंड पहले पूछता तो यहाँ पे 1 के बदले 2 आता, तो आपका स्पीड कितना होता? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो, सी का आंसर होगा नो। ये था क्वेश्चन नंबर 25। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सिटिंग एट द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड। फाइंड द पोजिशंस ऑफ थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल, फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीन ड्रॉप्ड। ठीक है, तो जब सिक्स्थ बॉल को छोड़ा जा रहा है, ये है सिक्स्थ बॉल को जब छोड़ा जा रहा है ना, यहाँ है हाथ में ये भी है। ठीक है, तो ऑफकोर्स फिफ्थ बॉल 1 सेकेंड के लिए चल रहा होगा तब तक, याद रखना फिफ्थ बॉल को छोड़ने के 1 सेकेंड बाद ना सिक्स्थ बॉल को छोड़ेंगे, तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम बीत चुका है? 1 सेकेंड। ठीक है, याद रखना इसी हाथ से फिफ्थ बॉल को छोड़ा गया था 1 सेकेंड पहले, अभी सिक्स्थ बॉल को छोड़ा जा रहा है, तो फिफ्थ बॉल 1 सेकेंड के लिए चल चुका है। वैसे फोर्थ बॉल जो होगा वो 2 सेकेंड के लिए चल चुका होगा इनिशियल मोमेंट से, मतलब ये अपने ड्रॉपिंग पोजीशन से 2 सेकेंड के लिए चल चुका होगा। ठीक है, और थर्ड बॉल जो है वो 3 सेकेंड के लिए चल चुका होगा अभी तक, है ना। सिक्स्थ बॉल को जो छोड़ा जा रहा होगा उस समय थर्ड बॉल कितने देर के लिए चल चुका होगा? 3 सेकेंड, क्योंकि थर्ड बॉल के बाद फोर्थ बॉल में 1 सेकेंड लगा, फिफ्थ बॉल में 1 सेकेंड, सिक्स्थ बॉल में 1 सेकेंड, तो 3 सेकेंड बीते हैं, है ना। ये डायग्राम है, अब ध्यान देना, यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड द पोजीशंस ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल। ठीक है, और बॉल्स को कितने इंटरवल में छोड़ा जाए? 1 1 सेकेंड में, है ना। तो आप ध्यान दो, ये वाला अगर निकालोगे आप तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ड्रॉप किया जा रहा है तो यू तो 0 है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ठीक है, डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव ले ले, आप कुछ भी ले सकते हो, नहीं लोगे तो एस नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें तो डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो आप क्या करो, आपको डिस्टेंस चाहिए तो आप चलो ए का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लो, मान लो नेगेटिव ले रहे हो आप। ठीक है, बहुत सारे लोग नेगेटिव लेते हैं डाउनवर्ड को, इसलिए नेगेटिव ले रहा हूँ, वैसे आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहला जो डिस्टेंस है यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ बॉल के बीच का सेपरेशन जो है, वो फिफ्थ बॉल ने 1 सेकेंड में कवर किया है स्टार्टिंग फ्रॉम मिनट्स, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 5 मीटर, है ना, आपका जाएगा -5, लेकिन हम तो, मैं तो डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, सिर्फ 5 मीटर। ठीक है, वह सेकेंड वाला बॉल के लिए या तो कैलकुलेट करो, या आपको पता है इक्वल टाइम इंटरवल में कितना चलता है 1:3, तो ये 1 है जो इसका 3 गुना होगा और ये इसका 5 गुना होगा, है ना, 1:3:5 वाला रेशियो पढ़ा है ना हम लोग, अगर नहीं पढ़े तो ठीक है, अभी मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा। तो 1 का 3 गुना, इसका 5 गुना, 25। ठीक है, ये इस पेज में ही प्रॉब्लम है,
मतलब इसी सॉफ्टवेयर में मैं दूसरे पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लैग नहीं कर रहा, इस पेज में लैग कर रहा है। तो इस लेक्चर के लिए इस चीज़ को बियर करो, पेन कभी कभी स्लो जा रहा है, ठीक है, मुझे ही बहुत इरिटेटिंग लग रहा है, लेकिन कवर तो करना ही है ना। ठीक है, तो ये 5 था, ये हो जाएगा 20 मीटर्स, और ये हो जाएगा 45 मीटर्स, है ना, लास्ट वाला। ठीक है, हाँ, ये सब कैसे निकालेंगे, अगर आपको 1:3:5 वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है, यही सेम चीज़ आप दोबारा लगाना। अगर आप फोर्थ बॉल को देखो तो फोर्थ बॉल को भी ड्रॉप किया गया था यहीं से, जहाँ भी 6 बॉल है वहीं से ड्रॉप किया गया था ना। तो बॉल फोर्थ बॉल के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी था 0, और फोर्थ बॉल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा है, 2 सेकेंड लगा है। तो वही हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करना है, यू टू 0 उसके लिए भी, हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका -10, ठीक है, और टी कितना है आपका, टी स्क्वायर 2 सेकेंड, तो हो जाएगा 20 -20। ठीक है, वैसे थर्ड बॉल के लिए टाइम कितना ले लोगे, 3 सेकेंड्स, है ना। तो देखो हम लोग का भी 20 आया था ना, ठीक है, वैसे थर्ड बॉल का भी निकल जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 26। मूविंग ऑन, अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम अ 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग सीज अ किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर, तो विथ व्हाट स्पीड शुड ही रन टू कैच द किड एट आर्म्स हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, मैन का हाथ जो है वो ग्राउंड से 1.8 मीटर ऊपर है ना, ये मैन है, और मैन का हाथ जो है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 1.8 मीटर, ये क्वेश्चन ने बोला है। मतलब मैन बहुत लंबा है, क्योंकि 1.8 मीटर मतलब 6 फीट तो हो ही गया ऐसे ही, तो उसका हाथ ही 6 फीट हाइट पे है, सर तो और ऊपर होगा। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, तो यहाँ से 7 मीटर दूर एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिससे कोई बच्चा स्लिप कर रहा है ना, जिसका बिल्डिंग का हाइट कितना है, 11.8 मीटर। तो यहाँ बिल्डिंग के टॉप से अ किड स्टार्ट स्लिपिंग, ठीक है, यानी इनिशियल स्पीड किड का 0 मान लो, तो कितना स्पीड से मैन को दौड़ना चाहिए ताकि ये बच्चे को रोक सके गिरने से, है ना। तो यहाँ से वो किड, जिसको मैं के बोल रहा हूँ, के स्टार्ट किया, के तो ऐसे चलेगा, गिर रहा होगा, और मैन ऐसे चलेगा, है ना। मैन का खाली हाथ देख रहा हूँ मैं, ये बाकी इरेलेवेंट है यहाँ पे, है ना। तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, ठीक है, और ये है, ये वाला एरो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ किड। ठीक है, ऑफ कोर्स दोनों सेम टाइम में स्टार्ट किया, जिस समय किड यहाँ से स्लिप करने स्टार्ट किया उसी समय मैन यहाँ से, मैन का हाथ यहाँ से स्टार्ट किया मूव होना, ठीक है, तो दोनों को सेम टाइम लगा है ना। ठीक है, तो किड जो डिस्टेंस चला होगा वो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू तो 0 है। ठीक है, किड जो डिस्टेंस चला हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, वैसे उसका ज़रूरत नहीं है हमें, इसको तो मिटा देते हैं हम लोग, मिट जाओ भैया, एक सेकेंड, मिट नहीं रहा है अभी, ठीक है, इसको इग्नोर करो। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, मान लो ये हाइट h है, अब हम हाइट निकाल सकते हैं क्योंकि मैन का हाथ जो है 1.8 मीटर ऊपर है, बिल्डिंग का हाइट 11.8 है, तो किड कितना चला होगा, किड इतना ही चला है, और ये कितना हो जाएगा, 11.8, अभी रबर आया, 11.8 -1.8, है ना, थोड़ा लैग हो रहा है अभी भी, 11.8 -1.8, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 10 मीटर। तो किड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर डाउनवर्ड, है ना। ठीक है, तो 10 मीटर गिरने में कोई चीज़ को स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कितना टाइम लगेगा, तुम्हें तो पता है एच हाइट गिरने में कितना टाइम लगता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से फॉर्मूला में निकाले, थ्योरी में भी पढ़े हैं, √2h/g, कोई चीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एच हाइट गिरने में कितना टाइम लगता है, √2h/ एक्सेलेरेशन का वैल्यू, इस केस में एक्सेलेरेशन कितना है, जी, ठीक है, तो 2h/g, तो 2h हाइट है 10 मीटर/g, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 सेकेंड, है ना।
ठीक है, मैं 9.8 नहीं ले रहा हूँ कैलकुलेशन आसान रखने के लिए, बस आप 9.8 लिखे करना, ठीक है। तो टाइम का वैल्यू आ गया √2 सेकेंड्स। तो मैन को कितना यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ना चाहिए, ठीक है। अब मैन को कितना कवर करना है, 7 मीटर कवर करना है ना, 7 मीटर कवर करना है। तो 7 मीटर इज इक्वल टू मैन का स्पीड जो भी होगा इंटू टाइम, और मैन को कितने देर में दौड़ना है, कितने देर में पकड़ना है बच्चे को, √2 सेकेंड्स में, है ना। तो वी इंटू √2, ठीक है। तो 7/√2 करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वी कह लो 5 सेकेंड्स, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना, समझ में आई बात। याद रखना बच्चा जो है टॉप से जैसे ही स्लिप करने स्टार्ट किया, यानी किड जब यहाँ पे है उसी समय मैन का हाथ यहाँ पे है, दोनों एक साथ स्टार्ट किया, ठीक है। मैन लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चला है, बच्चा का स्पीड बढ़ते आ रहा है क्योंकि वो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस में उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, है ना, फ्री फॉल हो रहा है ना, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 27। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। एन एनसीसी पैरेट इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ प्लेस अंडर अ बेरी ट्री ऑन विच अ बर्ड इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 12.1 मीटर। तो एक पेड़ है जिसका हाइट है 12.1 मीटर और यहाँ पे बर्ड है, ठीक है। तो एनसीसी परेड चल रहा है, वो तो रोड पे चल रहा होगा, मान लो ये रोड है, ठीक है। तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स अ बेरी, तो बर्ड एक बेरी को ड्रॉप किया, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल स्पीड जीरो है बेरी का। विच कैडेट गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट दैट इंस्टेंट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैडेट्स है जो कि मार्च कर रहे हैं, एनसीसी पैरेड कर रहे हैं ना, तो लोग इस तरफ जा रहे हैं सबके सब, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बंदा पे बेरी गिरने वाला है, ठीक है, याद रखना बेरी यहाँ से स्टार्ट किया है ना। तो बेरी को इतना हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं, क्योंकि बेरी गिरेगा यहाँ पे, है ना। तो बेरी को इतना हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा पहले वो निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम टेकन टू फॉल फ्रॉम रेस्ट होता है √2h/g, तो 2h/g, एक सेकेंड, फिर से स्लो हो गया है बहुत, √2h/g, h है 12.1, यार ये बहुत अनबिहेवली स्लो हो रहा है, 2h/g 9.8, ठीक है, एक सेकेंड हो गया, जिससे आपका टाइम मिल गया, है ना। इसे आप स्पीड अप कर देना इस लेक्चर को, जहाँ जहाँ स्लो हो जा रहा है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स अ बेरी, विच कैडेट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म। तो इससे टाइम मिल गया। अब जो एनसीसी का पैरेट था वो कितने से आगे बढ़ रहा था, 6 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5/3 पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इन दोनों को टाइम, मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे सॉफ्टवेयर में करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही 28th लास्ट क्वेश्चन है इस सॉफ्टवेयर में, जो थोड़ा इतना लैग नहीं कर रहा होगा। तो ये 5/3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कैडेट का स्पीड है 5/3 और टाइम लग रहा है इतना, जितना टाइम में बेरी यहाँ से यहाँ गिरेगा उतना टाइम में कौन सा कैडेट यहाँ पहुँच पाएगा, है ना। तो अब वी इंटू टी करो, ये जो वी है v इंटू टी, ठीक है। तो v इंटू टी से जो डिस्टेंस आएगा उसी के टर्म्स में तो आंसर बताना आपको ना, गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। तो सपोज इस वाले कैडेट का डिस्टेंस ही फ्रॉम द ट्री या वेरी ऐसा है कि ये v इंटू टी है, ठीक है। तो आपको खाली v इंटू टी का वैल्यू बताना है, है ना। चलो पॉज लेते हैं एक सेकेंड में, वापस रिज्यूम करेंगे दूसरे सॉफ्टवेयर। हाँ तो वेलकम बैक। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हमारा छूट गया था, वो कर लेते हैं। बाय द वे मैंने सॉफ्टवेयर थोड़ा चेंज किया है, यहाँ पे देखते हैं स्पीड कैसा है। तो अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट मूविंग ऑन ए मोटर बाइक,
द मोटर बाइक इज टेकिंग अ टर्न टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर द जीप फॉलोज इट विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड्स लेटर. ठीक है, तो मान लो ये एक टर्निंग है ना, ये एक टर्निंग है. ठीक है, अब इस टर्निंग को किसी मोटर बाइक ने क्रॉस किया 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसी टर्निंग को पुलिस क्रॉस किया 5/18 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, लेकिन जो मोटर बाइक था जिसमें चोर है, उसने इस टर्निंग को क्रॉस किया 20 मीटर पर सेकेंड से, उसके 10 सेकेंड बाद पुलिस ने क्रॉस किया, मतलब चोर को 10 सेकेंड का स्टार्ट मिल चुका है पुलिस के कंपैरिजन में. तो पुलिस जब टर्निंग क्रॉस कर रहा है तब तक चोर 10 सेकेंड के लिए चल चुका है ना. अब 10 सेकेंड से 10 सेकेंड के लिए चोर चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना डिस्टेंस होगा ये, 200. ठीक है, चोर को सी से डिनोट कर रहा हूँ, पुलिस को पी से डिनोट कर रहा है ना. तो अज्यूमिंग दैट दे ट्रैवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड्स, दोनों कॉन्स्टेंट स्पीड चल रहा है, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द पुलिस कैच अप विद द बाइक, यानी चोर को कितने दूर में पकड़ेगा. तो मान लो ये है कैचिंग पोजिशन, या कैचिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे पुलिस ने चोर को पकड़ा. ठीक है, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, टर्निंग से कितनी दूर पुलिस चोर को पकड़ेगा, है ना. तो आपको ये तो पता है कि ये 200 है, आपको सिर्फ ये निकालना है. अगर ये निकल गया तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200 प्लस ये क्वेश्चन मार्क वाला डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो टोटल मिल जाएगा. ठीक है, तो मान लो अब देखना, ये तो एक मोमेंट है ना, पुलिस यहाँ पे, चोर यहाँ पे, इस समय घड़ी पे जितने ही बज रहे होंगे, कुछ देर के बाद पुलिस भी यहाँ पे है, चोर भी यहाँ पे है ना, सी एस वेल एस पी क्रॉस पे. ठीक है, जितना देर में चोर यहाँ से यहाँ गया है, उतने देर में पुलिस यहाँ से यहाँ गया है, क्योंकि पुलिस तो फास्ट चल रहा है. ठीक है, जितने देर में चोर यहाँ से यहाँ गया है, उतने देर में पुलिस यहाँ से यहाँ गया, ये वाला एरो कवर किया है ना. अब चोर का स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड, तो चोर कितना कवर किया होगा, 20 × t, और पुलिस का स्पीड था 25 मीटर पर सेकेंड, तो पुलिस कितना कवर किया, 25 × t. ठीक है, तो टर्निंग से इस पोजीशन तक जहाँ पे चोर और पुलिस अभी प्रेजेंट है, पुलिस को कितना कवर करना पड़ा होगा, 25 × t, और उसी टर्निंग से नहीं सॉरी, बीच में कहीं चोर था यहाँ पे, सच दैट ये डिस्टेंस, क्योंकि चोर को तो हेड स्टार्ट मिला था ना, चोर ने टर्निंग पहले क्रॉस कर लिया था 10 सेकंड पहले, इससे चोर 200 मीटर आगे था पुलिस से है ना शुरू में, और चोर कितना कवर करेगा, 20 × t, क्योंकि चोर चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और पुलिस चल रहा है आपका 25 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, तो आप देख सकते हो इस सिंपल डायग्राम से आपको पता है कि 25 t इज इक्वल टू 20 t प्लस 200, तो 5 t इक्वल टू 200, यानी t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड्स. ठीक है, तो 40 सेकेंड्स में, तो ठीक है, t का वैल्यू 40 सेकेंड्स मिल गया, तो ये लेंथ निकाल सकते हो आप, ये टोटल कितना हो जाएगा, 25 × 40 एंड 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर. ठीक है, तो आपसे यही तो पूछा गया था ना कि टर्निंग से कितनी दूर बाद, टर्निंग से कितनी दूर पे पुलिस ने चोर को पकड़ा, टर्निंग से कितनी दूर पकड़ रहा है, 1 किलोमीटर. ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया था. 21, 23 तो हम लोग बना चुके हैं, 24 भी बना चुके हैं, ये सब बना चुके हैं हम लोग, ये भी बना चुके हैं, एनसीसी परेड वाला बनाया था लास्ट, है ना. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड्स टू क्रॉस द लास्ट 6 meter before hitting the ground, find the height from which it was dropped. The ball को drop किया गया है from a height. इसको 0.2 seconds लग रहा है to cross the last 6 meter. ठीक है, before hitting the ground. तो suppose ball को यहाँ से drop किया गया है ना, and it takes 0.2 second to cross the last 6 meter. तो यहाँ ground है, और ground से 6 meter दूर ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, 0.2 सेकेंड. ठीक है, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप, तो कितना हाइट से ड्रॉप किया गया था, तो आपसे ये पूछा है ये पूरा. ठीक है, ये कितना है ना, चलो निकाल लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पे आपको पता है कि 6 मीटर चलने में इसको 0.2 सेकेंड्स लगे,
ठीक है, तो आपको टोटल हाइट चलने में कितना लगे वो निकाल सकते हैं किससे, देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो स्पीड इसका है U1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग S इक्वल टू UT प्लस हाफ डिस्क को लगाए इस रीजन में, लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो आपको U1 तो नहीं पता, U1 को वैसे ही रहने दो। टाइम कितना है, 0.2। डाउनवर्ड को पॉजिटिव लियो में, ठीक है, आपको नेगेटिव लेना है तो लो, तो फर्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन के वैल्यू 10 × t², ठीक है। तो एस के लिए तो आपको पता है 6 मीटर है, क्योंकि डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिए है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ के बीच में डाउनवर्ड ही तो है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका +6 हो जाएगा, तो एस का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया इसमें खाली U1 अननोन है, तो आपको U1 मिल जाएगा इससे, खाली कैलकुलेट करना है, ठीक है। U1 ऑफकोर्स पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आप देख सकते हो U1 डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है और हम लोगों ने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो U1 पॉजिटिव आएगा, ध्यान देना, ठीक है। और इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, इसके बाद क्या है, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच, तो एक बार आपको U1 पता चल गया, ठीक है। अब इसको जानने के बाद आप टोटल हाइट निकाल सकते हो क्या, हाँ, क्योंकि आप अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ से यहाँ के लिए अगर आप वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, ठीक है, तो याद रखना आप इस क्रॉस से या ए से लेके बी के बीच में वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा रहे हो, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी एट बी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी एट ए, एक्सेलेरेशन तो डाउनवर्ड है क्योंकि +10 × टाइम, टाइम नहीं पता आपको, ठीक है, ए से बी जाने का टाइम है ना। तो फाइनल वेलोसिटी एट बी तो U1 है जो आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी जो कि पॉइंट ए पे 0 है, 10 × टाइम फ्रॉम ए टू बी, याद रखना U1 पता है, तो इस इक्वेशन से आपको टी ए भी मिल जाएगा, ए से बी जाने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि U1 पता है आपको, टी ए भी कितना हो जाएगा, U1/10, ठीक है। तो ए से बी का टाइम मिल गया, यहाँ ध्यान देना, ए से बी का टाइम मिल गया, बी से लेके ग्राउंड तक का टाइम तो आपको पता ही है 0.2, है ना, ठीक है, ठीक है। या तो उल्टे दूसरे तरीके से करो, ए से बी का टाइम मिल गया ना, ये टाइम नहीं भी निकालोगे आप, तो U²/2 है कर लो डायरेक्टली, सपोज ये वाला पार्ट आपको नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस निकालना था। तो यहाँ से यहाँ के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, V²=U²+2AS, ठीक है, ए से बी के बीच में। तो फाइनल वेलोसिटी है वेलोसिटी एट बी, इनिशियल वेलोसिटी है, चेक कर लेते चल रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी इसको मिनिमाइज, इनिशियल वेलोसिटी है वेलोसिटी एट ए, एक्सेलेरेशन है 10 और डिस्प्लेसमेंट ए से बी वाला, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी तो U1 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 20 × a b, तो U1 का वैल्यू आपको पता है प्रीवियस इक्वेशन से, यहाँ से पता है U1 का वैल्यू, उसको यहाँ पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी मिलेगा, मतलब ये लेंथ मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का, उसमें आपको 0.2 को, सॉरी 6 मीटर को ऐड करना होगा, तभी आपको टोटल मिलेगा, है ना, आपको टोटल निकालना था ना, ठीक है। कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बताना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन टू अ सैंडी फ्लोर एंड पेनिट्रेट्स द सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। तो मान लो ये सैंडी फ्लोर है, बॉल को यहाँ से छोड़ा गया 5 मीटर के हाइट से, रेस्ट से छोड़ा गया है, ठीक है। तो सैंड में कितना पेनिट्रेट किया, और 10 सेंटीमीटर, तो ठीक है ये डायग्राम अच्छा नहीं है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर बड़ा बनाना चाहिए हमें, सॉरी 5 मीटर था तब, ठीक था, ठीक है, मिटा दिया हमें। तो बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया, ठीक है, ये सैंडी फ्लोर है मान लो, और ये हाइट आपको दिया हुआ था 5 मीटर, ठीक है, वो 10 मीटर, ये सैंड है ना, ये सैंड, सैंड को टकराया होगा वो किसी स्पीड से, मान लो वी स्पीड से, लेकिन फाइनली वो रुक गया, क्योंकि सैंड के अंदर हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता ना, सैंड से रेजिस्टेंस मिलेगा, रुकेगा, और कितना अंदर जाके रुकेगा वो, 10 सेंटीमीटर, विच इज 0.1 मीटर, है ना, ठीक है। तो यहाँ भी रेस्ट पे था, फ्री फॉल हुआ उसका, तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ते गया होगा, सैंड को टकराया मैक्सिमम स्पीड से, और फिर स्पीड कम होते होते वापस सैंड के अंदर ही रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन द सैंड, तो सैंड के अंदर जब बॉल था उसका रिटार्डेशन कितना था, ठीक है, यानी इस पीरियड में एक्सेलेरेशन कितना था वो बताना आपको एक सेंस में, है ना, ठीक
ठीक है तो एक काम करते हैं ना, पॉइंट्स का नाम देते ए बी सी, ठीक है। सैंड के सरफेस को जब हिट कर रहा है वहाँ पे उस पॉइंट को भी बी बोल रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से रेस्ट से ड्रॉप किया उसको ए, और जहाँ पे रुका उसको सी, ठीक है। ए से बी तक हम लोग एस इक्वल टू, मतलब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है जी डाउनवर्ड। बी से सी तक भी तीनों लगा सकते हैं क्योंकि बी से सी तक भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी कॉन्स्टेंट है, लेकिन ए से सी तक नहीं लगा सकते क्योंकि ए से सी तक कॉन्स्टेंट नहीं है ना, डायरेक्शन में हमको दिख गया ना, ए से बी तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है लेकिन बी टू सी एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ठीक है, तभी तो स्लो डाउन हो रहा है ना, ठीक है। तो ए टू बी लगाते हैं हम लोग, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, है ना। कितना हाइट से छोड़ा है इसको, 5 मीटर से छोड़ा है ना, वो नहीं लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस लगाते हैं। यू तो 0 है, 2 AS। अब अगर मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव लूँ, ठीक है, आप कुछ भी उल्टा भी ले सकते हो, आ जाएगा उससे भी आंसर, है ना। मैं माइनस साइन अभी समझ लो इग्नोर करना चाहता हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव लेंगे तो ए टू बी में फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट बी है ना, 2 A, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही है, ए से बी तक एक्सेलरेशन कितना है, जी डाउनवर्ड, 2 AS, ठीक है। तो वेलोसिटी एट बी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बी टू सी वही चीज़ लगाएंगे हम लोग, बी टू सी में रेस्ट पे आ गया है 0.1 मीटर चल के, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। अब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 डाउनवर्ड है ना, बी टू सी के लिए याद रखना, इसके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल हो जाएगा बी, फाइनल हो जाएगा सी, और ए टू सी, ए टू बी यहाँ पे लगाए थे, ठीक है। 2 A, A का वैल्यू हमें नहीं पता, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब देखो बी टू सी के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाला वेक्टर, और ये वेक्टर डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, हम लोग डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव लिए, तो 0.1 आ जाएगा प्लस 0.1, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के वैल्यू आपका 100/0.2, 100/0.1 होता है मतलब 1000, 1000/2 मतलब 500, ठीक है, माइनस साइन के साथ आएगा, लेकिन आपसे रिटार्डेशन पूछे तो आप 500 बोलोगे, है ना। तो फाइंड द रिटार्डेशन विथ, रिटार्डेशन क्या बोलोगे, 500, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेशन, टू मेजर द एक्सेलेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स, ठीक है। द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एट द टाइम इट इज ड्रॉप्ड, द पर्सन ऑब्जर्व दैट द कॉइन टेक्स कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 सेकेंड, कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेटा द एक्सेलेशन ऑफ द एलिवेटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, रिलेटिव मोशन से कर सकते हैं, लेकिन रिलेटिव मोशन इसको पहले मैं ग्राउंड फ्रेम से, पहले क्या एक ही तरीके से करूँगा ग्राउंड फ्रेम से, वो तो रिलेटिव मोशन वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग अलग से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। मान लो एलिवेटर यहाँ पे है और एलिवेटर स्टार्ट किया है, मतलब यहाँ पे वो रेस्ट से स्टार्ट किया, ठीक है। पर्सन जो है ये है पर्सन, और उसके हाथ में कॉइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑफकोर्स पर्सन भी रेस्ट पे, अभी कॉइन भी रेस्ट पे है ना, लेकिन पर्सन कॉइन को ड्रॉप किया यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर, ये आपको दिया हुआ है 6 फीट, कॉइन जो है फ्लोर से 6 फीट ऊपर है, फ्लोर मतलब फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, ठीक है। एट द टाइम इट इज ड्रॉप द पर्सन ऑब्जर्व दैट द कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद मान लो एलिवेटर यहाँ पहुँच गया, ठीक है। कैसा भी डायग्राम बना सकते हो, ओवरलैपिंग भी बना सकते हो। तो कॉइन तो ग्राउंड को हिट किया उस समय, ठीक है। तो अगर ग्राउंड मतलब फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो सब चीज़ को, ग्राउंड में खड़े होकर देख रहे हो, तो ग्राउंड से देखोगे तो याद रखना मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, तो ग्राउंड से देखोगे तो कॉइन का डिस्प्लेसमेंट इतना है, यह है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। और लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट, लिफ्ट का फ्लोर से लेके लिफ्ट का फ्लोर तक को देख लो, एक ही चीज़ को देखना, या तो लिफ्ट का छत से लेके लिफ्ट का छत को देखो, या लिफ्ट का फ्लोर से लिफ्ट का फ्लोर को देखो, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट लिफ्ट का पकड़ो, उसी को देखते रहो, है ना। तो मैं फ्लोर को पकड़ रहा हूँ, तो यह डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट प्लस 6 फीट, दिख गई आपको डायग्राम से ना, देख लो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट में 6 ऐड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट मिल जाएगा, है ना। अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, बस हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट। अब लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट, लिफ्ट तो रेस्ट से स्टार्ट किया है, और लिफ्ट जो है आपसे क्या पूछा गया था, यूनिफॉर्म डिसेंडिंग है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन उल्टा पढ़ लिया, डिसेंडिंग है, इसको रब करना होगा। बहुत से लोग जो डिसेंडिंग देखे होंगे उनको अजीब लग रहा होगा,
तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिफ्ट डिसेंड कर रहा है। तो फिर से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ समझा चुका हूँ, खाली डायग्राम में थोड़ा चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये पर्सन है, ये कॉइन है ना। 1 सेकेंड बाद कॉइन जो है लिफ्ट का फ्लोर पहुँच गया। ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट। ठीक है, समझ में आई बात। लिफ्ट यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है, ध्यान देना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना। यूजुअली मोशन का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो उससे इक्वेशन ज़्यादा सिंपल दिखते हैं मुझे, माइनस साइन वगैरह नहीं आएगा यूजुअली। तो ये एस सी मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट प्लस 6 फीट, क्योंकि ये आपको दिया हुआ था 6 फीट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन क्या हो जाएगा। कॉइन तो याद रखना, कॉइन भी रेस्ट से स्टार्ट किया है, पर्सन तो ड्रॉप किया था ना कॉइन को, कॉइन भी रेस्ट से स्टार्ट किया और कॉइन फ्री फॉल में है। याद रखना, कॉइन लिफ्ट के अंदर हो कहीं भी हो, कॉइन किसी कॉन्टैक्ट में है क्या, नहीं। पर्सन के हाथ से छूटने के बाद से कॉइन क्या है, फ्री फॉल में। फ्री फॉल में मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट हो जाएगा आपका, लिफ्ट का एक्सेलेशन ऑफ लिफ्ट पूछा है ना, तो हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। तो हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट का भी जीरो था, तो यूटी वाला टर्म नहीं लिखा है ना, यूटी वाला टर्म किसी के लिए भी नहीं लिखा है, दोनों के लिए हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा बस। ठीक है, और लास्ट में ये लेकिन याद रखना है, 6 फीट में है और हम लोग एक्सेलेशन को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब मीटर में ले रहे हैं ना, ये फीट में है, तो कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 फीट में कितना मीटर होता है, 0.3 मीटर के आसपास होता है ना। जैसे जी का वैल्यू 10 मीटर इज इक्वल टू 32.2 फीट, ऐसा कन्वर्जन होता है ना, 10 मीटर में 32.2 फीट होता है। तो 1 फीट कितना हो गया, 10 बाय 32.2 मीटर। ठीक है, तो 6 × 10 बाय 32.2, 10 बाय 32.2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तब फीट जो होगा उसमें कन्वर्ट होगा लीटर में, सॉरी मीटर में। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा बस। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि कॉइन एक बार हाथ से छूट गया है, तो कॉइन सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, फ्री फॉल है, तो कॉइन का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है ना। लिफ्ट जो है वो तो केबल्स वगैरह से कनेक्टेड होगा, ऑफकोर्स लिफ्ट का एक्सेलरेशन जरूरी है जी डाउनवर्ड में, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ मिलेगा, है ना। और दोनों को तो 1 सेकेंड लगा है ना, आपको तो बोल दिया कॉइन को फ्लोर को हिट करने में 1 सेकेंड लगा है, तो मैं वही 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट और कॉइन का डिस्प्लेसमेंट को रिलेट किया हूँ इसी क्वेश्चन से। ठीक है, चलो 31 था ये, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड, सॉरी हाँ, विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, अब तो ये प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन आ गए, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पे लेक्चर हम लोग रोकते हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल वाले सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलो सॉरी, आज थोड़ा फास्ट हो गया लेक्चर, मतलब फास्ट क्या, कहीं कहीं पेन स्लो हो गया था, है ना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।